साक्री रोड वरील मध्यवर्ती भागात असलेल्या जिल्हा रुग्णालयाला आपण गतवैभव मिळवून देणारच याची ग्वाही देतानाच 100 खाटांच्या रुग्णालयाला शासनाने मंजुरी दिली असून लवकरच त्याचे लोकार्पण करण्यात येईल असे आज धुळ्याचे आमदार डॉ फारुख शहा यांनी सांगितले। धुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात 2 रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण आमदार शहा यांच्या हस्ते झाले। यावेळी आमदार फारुख शहा म्हणाले की कोरोना संकटात शहरासाठी रुग्णवाहिकेची गरज होती, त्यावेळी स्थानिक विकास निधीतून 20 लाख रुपये दिले, त्या पैशातून 2 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत। वचनपूर्ती करताना मला आनंद होत आहे, त्यांचे आज लोकार्पण करत असल्याचे जाहीर केले। यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ माणिक सांगळे, डॉ संजय शिंदे, डॉ अश्विनी भांबरे, डॉ महेश भडागे, परिचारिका प्रतिभा घोडके, सुवर्णा सूर्यवंशी, कमलेश परदेशी, प्रकाश बाविस्कर, मनीष बाविस्कर आदि उपस्थित होते। रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळा में उपस्थित हमारे सिविल सर्जन सांगळे साहेब, उसी तरह से एमआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष शमसुल भाई, महिला जिलाध्यक्ष दीपाश्री मैडम, नगर सेवक सईद बेग, नगर सेवक गली डालर और उपस्थित सभी नासिर पठान, शहर अध्यक्ष नूरा भाई शाह और मौजूद सभी मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज मुझे अपना वचन पूर्ति करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा कि शहर में पूरी दुनिया भर में जो कोरोना का संकट आया था, उस वक्त हमको हमारे शहर के लिए एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी। मुझे हमारे कई कार्यकर्ताओं ने और कई शहरवासियों ने कहा कि हमको एम्बुलेंस लेना जरूरी है। मैंने फौरन अपने स्थानीय विकास निधि से 30 लाख रुपए का फंड देकर 2 एम्बुलेंस हमारे शहर के लिए दिए। आज हमारे जूना सिविल हॉस्पिटल में इसका लोकार्पण सोहळा हुआ है और मैं आप लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि इस जगह पर जिस तरह से पहले एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल शुरू था, हम उससे बेहतरीन दवाखाना यहां पर शुरू करने वाले हैं, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने राजेश टोपे जी से बात की, अमित देशमुख साहब से मुलाकात की और उनको ये कहा कि 100 बेड का दवाखाना हमको जल्द से जल्दी शुरू करना है। इससे पहले हमने 300 बेड का दवाखाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुछ फंड कम होने की वजह से हमको 100 बेड की मंजूरी मिल चुकी है और उसका जल्दी हम लोग पाठ पुरावा करके हमारे शहरवासियों की खिदमत में वो पेश करने वाले हैं। मैं इस मौके पर शहरवासियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोग आज बहुत बेफिक्र हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ये समझिए कि आज भी कोरोना हमारे शहर से गया नहीं है। आज भी हम लोगों को अपनी जवाबदारी समझते हुए अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने शहर वालों को ये गुजारिश करना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं और मास्क लगाए बगैर घर से बाहर ना निकले। आज मैं सिविल सर्जन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसी तरह से डॉक्टर शिंदे और उनका तमाम जो भामरे मैडम है और यहाँ जितना भी डॉक्टर स्टाफ है, कर्मचारी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिसकी वजह से आज हमारा शहर, हमारा जिला कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करना चाहूंगा कि इनके काम को देखकर राज्यपाल ने इनका सत्कार किया था, जिसमें प्रतिभा घोड़के मैडम, नरेंद्र शिंदे और जितेंद्र कंटे ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।